बाघ, तेंदुआ या अन्य वन्य जीवों का जिक्र मात्र कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। गढ़चिरौली जिले, चंद्रपुर जिले और ताड़ोबा जैसे कुछ घने जंगलों वाले जिलों में वन्य जीवों और मनुष्य के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। अक्सर वन्य जीव इस क्षेत्र में पानी या भोजन की तलाश में कई लोग पर हमला कर देते हैं। वे समय समय पर शहर भी आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज नागपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। नागपुर और गायत्री नगर में आईटी पार्क परिसर के बीच आज सुबह कई लोगों ने तेंदुओं के देखने का दावा किया है। इससे यहाँ के नागरिकों के मन में एक ही डर पैदा हो गया है। कई लोगों ने दावा किया है कि तेंदुआ वास्तव में बैठ गया और फिर चला गया। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कहा है कि तेंदुए ने अपने पंजे से मारा। मैं नरेंद्र चकोले, आज सकाळी 9:45 आमच्या इकडे बिबटे आला। मागच्या आमच्या आउटहाऊसच्या टॉयलेटमध्ये बसलेला होता आणि त्यावेळेला मी कूलरसाठी नळ सुरू करण्यासाठी गेलेलो होतो आणि एक अर्ध्या एक फुटाच्याच अंतरावरती तो मला आढळून आला आणि लगेच त्यांनी डरकाळी फोडली आणि मी पण थोडा ओरडलो किंवा बिबटे आहे म्हणून असं आणि मी पण धावायला लागलो। जसंच धावलो माझ्या मागे त्यांनी पण पळ काढला तिथनं आणि जसंच म्हणजे त्याच्या पायाची काही हे नख माझ्या पायाला लागली आणि मग तो असा पूर्ण घराचा एक पूर्ण घेरा घेतला, मागच्या भागाला गेला, तिथल्या बाथरूममध्ये गेला, थोडा वेळ थांबला आणि तिकडनं मागच्या याच्यावरून पळून मागच्यांच्या टिनेवरती हे शेडवरतून पळाला तो मागच्या भागाला। जैसे ही यह खबर फैली कि आईटी पार्क क्षेत्र में तेंदुए घूम रहे हैं, तेंदुओं को देखने के लिए कई लोग उमड़ पड़े। साथ ही वन विभाग को भी इस समय बुलाया गया था। इलाके में तेंदुए के पैर के निशान, उसके पंजे के निशान भी मिले हैं। इसलिए अब वन विभाग इस तेंदुए की तलाश कर रही है। अक्सर जंगली जानवर पानी की तलाश में अपने मूल स्थानों को छोड़ देते हैं और मानव आवास में प्रवेश करते हैं। इससे पता चलता है कि तेंदुआ पानी की तलाश में शहर आया होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।